स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर के हम ऑलरेडी 4 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले वाले वीडियो में 3 टाइप्स ऑलरेडी सॉइल के डिस्कस कर लिए थे। आज हम हमारे नेक्स्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला है लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इट इज कॉमनली फाउंड इन द हिली एरियाज। लैटराइट सॉइल मेनली हिली एरियाज के अंदर पाई जाती है। दे डेवलप इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल। जहाँ उन एरियाज में ये डेवलप की जाती है जहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है और रेनफॉल भी हैवी होती है। दीज सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर। सॉइल का जो नेचर है वो एसिडिक रहता है। लैटराइट सॉइल आर सुटेबल फॉर कल्टिवेशन विद एडिक्यूट डोसेज ऑफ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। मोस्टली सुटेबल है ये सॉइल कल्टिवेशन के लिए, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एडिक्यूट अमाउंट में यूज किया जाता है मैन्योर्स को और फर्टिलाइजर्स को। और कहाँ पर पाई जाती है, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश एंड हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड असम, यहाँ पर हमें लैटराइट सॉइल देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारी एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। एरिड सॉइल का जो कलर होता है वो रेड और ब्राउन इन इस कलर में पाई जाती है। दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। एरिड सॉइल मोस्टली सैंडी टेक्सचर की होती है और सलाइन नेचर की होती है। और इन सम एरियाज, कुछ एरियाज के अंदर जो सॉइल कंटेन होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और जो कॉमन सॉल्ट है उसको अपटेन करा जा सकता है बाय इवेपोरेटिंग द वॉटर। एरिड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। एरिड सॉइल के अंदर ज्यादा ह्यूमस और मॉइस्चर नहीं पाया जाता है। दिस सॉइल इज फाउंड इन राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, और मोस्टली इसकी जो लोकेशन है वो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पाई जाती है। आफ्टर प्रॉपर इरीगेशन दीज सॉइल बिकेम कल्टिवेबल क्रॉप्स लाइक बार्ले, कॉटन, वीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस एसेट्रा कैन बी ग्रोन। और प्रॉपर इरीगेशन फैसिलिटीज देने के बाद इस क्रॉप के अंदर इसको कल्टिवेबल भी बनाया जा सकता है। और मेनली जो क्रॉप्स है एरिड सॉइल के अंदर उगाई जाती है उसके अंदर है बार्ले, कॉटन, वीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस एंड मैनी मोर। नेक्स्ट है हमारी फॉरेस्ट सॉइल। दीज सॉइल आर फाउंड इन द हिली एंड माउंटेनस एरिया। ये सॉइल मोस्टली हमें हिली एरियाज और माउंटेनस एरियाज में ही देखने को मिलती है। दीज सॉइल आर वेरी रिच इन ह्यूमस बट आर डेफिशिएंट इन पोटाश, फॉस्फेरस एंड लाइम। इस सॉइल के अंदर ह्यूमस ज्यादा पाया जाता है और जो कमी होती है पोटाश, फॉस्फेरस और लाइम की कमी देखी जाती है। दीज सॉइल्स आर सुटेबल फॉर प्लांटेशन ऑफ टी, कॉफी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स। मेनली जो ये फॉरेस्ट सॉइल है ये मोस्टली सुटेबल होती है प्लांटेशन ऑफ टी के लिए, कॉफी के लिए, स्पाइसेस के लिए और कुछ ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी। दीज सॉइल्स आर लोमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कर्सली ग्रेनेड इन द अपर स्लोप्स। ये जो सॉइल है कुछ जगह पे ये लोमी और सिल्टी पाई जाती है, मतलब वैली साइड्स के अंदर, और कर्सली ग्रेनेड होती है अपर स्लोप्स के अंदर। दे आर फर्टाइल इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली। और मोस्टली ये जो सॉइल है फर्टाइल पाई जाती है वैली एरिया के अंदर। सॉइल इरोजन रेफर्स टू द रिमूवल ऑफ सॉइल बाय द फोर्सेज ऑफ नेचर लाइक विंड एंड वॉटर। सॉइल इरोजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सॉइल किसके द्वारा, जो फोर्सेज है नेचर के अंदर लाइक विंड एंड वॉटर, उससे जब उसकी परत हट जाती है तो हम उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। वॉट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन। फर्स्ट, ओवर ग्रेजिंग एंड डिफॉरेस्टेशन। सेकेंड, अनसाइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन। थर्ड, फास्ट ब्लोइंग विंड, सरफेस रन ऑफ। ये 3 मेन कॉजेज है जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है। ओवरग्रेजिंग का मतलब होता है जहां पर ज्यादातर जानवर चरते हैं उसको हम कहते हैं ओवरग्रेजिंग। और डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जहां पर कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, उसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। ये बहुत बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। सेकंड, अनसाइंटिफिक मेथड। हम जो इस्तेमाल करते हैं मेथड कल्टीवेशन के अंदर उसमें अनसाइंटिफिक वे से इस्तेमाल करने की वजह से सॉइल इरोजन का एक सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट है फास्ट ब्लोइंग विंड, बहुत तेज हवा चलना और उसके कारण जो सरफेस रन ऑफ है वो तेजी से हटना, ये भी एक सबसे बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके इफेक्ट्स क्या क्या है। अब सॉइल इरोजन होने के कारण क्या क्या इफेक्ट करता है। मेक्स लैंड अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। इसके कारण जो लैंड है वो सुटेबल नहीं रहता, हमारे कल्टीवेशन अच्छे से प्रॉपर नहीं कर सकते हम। लैंड सो डेवलप आर कॉल्ड बैड लैंड्स। इन द चंबल बेसिन दे आर नोन एज रिवाइंस। और जो लैंड है जिसको डेवलप हम बोलते हैं सो डेवलप, उसको बैड लैंड्स भी बोला जाता है। चंबल बेसिन वाला एरिया बोले हम उसको, तो उसको बोला जाता है रिवाइंस। ये भी इसके एक इफेक्ट में आता है। नेक्स्ट है वेज ऑफ कंट्रोलिंग सॉइल इरोजन। किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल इरोजन को, तो क्या क्या स्टेप्स हम उठा सकते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए। फर्स्ट,
कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बंड्स इन वाटर इरोडेड एरियाज, जहां पर पानी की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, छोटे छोटे बंड्स बना सकते हैं। सेकेंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेरेसेस, प्लगिंग ऑफ गुल्लीज इन हिली एरियाज, हिली एरियाज के अंदर फार्मिंग की मेथड्स होती है टेरेसेस बनाना, प्लगिंग ऑफ गुल्लीज, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्ट की जाती है जिससे कि हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल कर सके। प्रिपरेशन ऑफ शेल्टर बेल्ट ऑफ प्लांट्स, और शेल्टर बेल्ट को प्रिपेयर किया जाता है जिससे कि सॉइल इरोजन को रोक सके, प्रिवेंट कर सके। फोर्थ, कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, जानवरों की जो चरने की विधि होती है उसको उस पर कंट्रोल करा जाए। नेक्स्ट, मोर एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए जाए। सिक्स, कंटोर प्लगिंग एंड स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये दोनों मेथड्स होती है क्रॉपिंग की, इनको इस्तेमाल करके हम सॉइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।